आप देख रहे हैं दखल न्यूज। श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भिड़े, भारतीय निवेश के मामले पर हुआ विवाद। सबरीमाला मामले में विवाद जारी, पत्रकारों पर भी हुआ हमला। जयभान सिंह ने राहुल पर कसा तंज, राहुल बीजेपी के दूसरे स्टार प्रचारक। छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची जारी, राहुल, सोनिया और मनमोहन के नाम। भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित 10 की मौत, माता दर्शन कर लौट रहे थे सभी लोग। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीपाला और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के बीच कैबिनेट मीटिंग के दौरान भिड़ंत का मामला सामने आया है। सूत्रों के हवाले से कोलंबो स्थित डेली मिरर अखबार ने दावा किया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच विवाद की स्थिति कोलंबो पोर्ट पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को भारतीय निवेश से विकसित करने पर बनी। खबरों के मुताबिक श्रीलंका के पोर्ट और शिपिंग मंत्री महिंदा सामासिंघे ने कैबिनेट को प्रस्ताव दिया कि ईस्ट कंटेनर कोस्ट को विकसित करने का दायित्व श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी को दिया जाएगा। वहीं कैबिनेट बैठक के दौरान श्रीलंका के डेवलपमेंट स्ट्रेटजी और इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्टर मलिक सामा विक्रम ने भारतीय निवेश से पोर्ट को विकसित करने का पक्ष रखा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच विवाद की स्थिति तब खड़ी हुई जब प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने व्यापार मंत्री के प्रस्ताव को मानने की वकालत की। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं, लेकिन इसमें महिलाओं के प्रवेश को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। मंदिर के सभी आयु की महिलाओं के प्रवेश को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद इसके जमकर विरोध हो रहा है। इस बीच सबरीमाला मामले का कवरेज कर रहे पत्रकारों पर भी हमला हुआ है, जिसमें महिला पत्रकार भी शामिल हैं। मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है और खासतौर पर नीलाकल बेस कैंप और मंदिर के रास्ते में लोगों ने धरना दिया, जिसके बाद पांबा से 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं पठन मीठा से त्रावणकोर देव सवोम के अध्यक्ष समेत 50 लोगों को हिरासत में लिया गया, जहां लोगों का प्रदर्शन जारी है। वहीं दर्शन के लिए जा रही कई महिलाएं अपने घर लौटने को मजबूर हो गई। पूरी घटनाक्रम का कवरेज कर रहे मीडिया को भी लोगों ने निशाना बना लिया। बताया जा रहा है कि मीडिया वाहनों में तोड़फोड़ हुई है, मंदिर में प्रवेश को लेकर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं और सामूहिक आत्महत्याएं और मंदिर में प्रवेश में बाधा डालने की धमकियां सामने आई हैं। इसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 28 सितंबर को आदेश दिया कि सबरीमाला में हर उम्र की महिलाएं प्रवेश व दर्शन कर सकेंगे। 10 से 50 वर्ष की उम्र की महिलाओं पर पाबंदी की परंपरा लिंग भेद है। मंदिर की परंपरा है कि जिन महिलाओं को मासिक धर्म होता है उन्हें दर्शन की इजाजत नहीं है, क्योंकि भगवान अयप्पा को ब्रह्मचारी माना जाता है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए चुनावों की अधिसूचना निर्वाचन आयोग ने जारी कर दी है। 12 नवंबर को 18 सीटों के लिए मतदान होने वाला है। वहीं इसी कड़ी में कांग्रेस ने बुधवार को अपने 40 स्टार प्रचारकों के नाम की सूची जारी कर दी है। इसमें प्रियंका गांधी का नाम नहीं है। छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी कांग्रेस का प्रचार नहीं करेंगी। आज कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के लिए अपनी 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। स्टार प्रचारकों में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व क्रिकेटर अजरुद्दीन सहित कई शीर्ष नेताओं के नाम शामिल हैं। सूची में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, मोतीलाल बोरा, सुशील कुमार शिंदे, अशोक गहलोत, गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, पीएल पुनिया, मुकुल वासनिक, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह, राजबब्बर, प्रमोद तिवारी, अशोक छब्बन, रणदीप सुरजेवाला, नवजोत सिंह सिद्धू, शक्ति सिंह, गोविंद, शैलजा आशा कुमारी, प्रदीप जैन, आदित्य श्रीप्रकाश जायसवाल,
अखिलेश प्रताप सिंह, मोहम्मद अजरुद्दीन, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, चरणदास महंत, चंदन यादव, नदीम जावेद, अरविंद्र नेताम, शिव डेहरिया, छाया वर्मा, अरुण उमराव, हरमन सिंह भगत, चरणदास, सुष्मिता देव, शर्मिठा मुखर्जी, रागिनी नायक, नितिन राउत शामिल हैं। खबर पर बात करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ अनुराग उपाध्याय जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो चुकी है, क्या कहना है? देखिए, स्टार प्रचारकों की कांग्रेस ने सूची जारी की है और जाहिर कर दिया है कि वो छत्तीसगढ़ में दम लगाना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी की स्थिति वहां कांग्रेस की तुलना में ज्यादा मजबूत है, इसके बावजूद उन्होंने जो सूची जारी की उसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्रियंका गांधी का नाम इस सूची में नहीं है। प्रियंका गांधी के जो पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनको लेकर तमाम सारे विवाद हैं और लगता है यही वजह है कि प्रियंका गांधी का नाम इस सूची में नहीं रखा गया है। जो सामान्यतः एक दो सभाएं प्रियंका गांधी की अगर छत्तीसगढ़ में होती तो कांग्रेस को इसका लाभ मिलता। वहीं देखने वाली बात यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राहुल गांधी दौरा कर ही रहे हैं लगातार। सोनिया गांधी जाएंगी, मनमोहन सिंह जाएंगे, अजरुद्दीन को खास करके वहां बुलाया गया है, राज बब्बर को बुलाया गया है, तो ग्लैमर का तड़का भी चुनाव प्रचार के दौरान लगा रहे, इसकी व्यवस्था भी माकूल रूप से कांग्रेस ने की है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के रागिनी नायक हो, चरणदास महंत हो, अरविंद नेताम हो, जो स्थानीय नेता है उनको भी खासी तवज्जो दी गई है और इनका अलग अलग बेल्टों में अपना प्रभाव है इन सारे लोगों का। तो हर जाति वर्ग को साथ के 40 नामों की सूची चुनाव आयोग को सौंपी है ये स्टार प्रचारक हैं और यही पूरी कमान संभालेंगे। हालांकि टीएस सिंहदेव वहाँ एक ऐसा चेहरा है स्थानीय स्तर पे जिसको सभी लोग बहुत सम्मान करते हैं, बड़े नेताओं के अलावा उनका खासा प्रभाव है और मुझे लगता है कि कांग्रेस पूरी ताकत पूरी क्षमता से चुनाव मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है। जी अनुराग जी, बीच में प्रियंका गांधी के नाम को एक चलन चला था कि प्रियंका गांधी एक बार मैदान में उतर जाए तो कांग्रेस की स्थिति बहुत सुधर सकती है, लेकिन अभी प्रियंका गांधी का नाम प्रचारकों की सूची में ही नहीं है। देखिए शेफाली, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक सबसे जो बड़ी बात थी वो ये थी कि प्रियंका गांधी राजनीति में आ जाए, कांग्रेस की अध्यक्ष बन जाए, इस तरह की अटकलें पिछले 3-4 सालों में लगाई जाती रही। तो प्रियंका चूंकि राजनीति में आना नहीं चाहती है वो स्पष्ट कर चुकी हैं, फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आती है और राहुल गांधी उनके भाई अब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं तो वो मदद करेंगी पीछे रह के, लेकिन चूंकि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ तमाम सारे विवाद जुड़े हुए हैं तो प्रियंका के आने भर से वो सारे विवाद जिंदा हो जाएंगे और नए बखेड़े शुरू हो जाएंगे, इसलिए प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने फिलहाल पीछे रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव होते हैं खास करके रायबरेली और अमेठी में तो लगातार प्रियंका गांधी वहां आती जाती रही है, लेकिन विवादों से बचने के लिए प्रियंका का जो नाम है वो कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची से हटा। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, इंदिरा गांधी की छवि माना जाता है प्रियंका गांधी को, मगर चुनाव प्रचार से दूर रहेंगे। छवि माना जाता है लेकिन उनके पति के साथ जिस किस्म के विवाद जुड़े हुए हैं उससे कांग्रेस को नुकसान होगा, तो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत प्रियंका गांधी को अलग करके रखा है, भले ही उनमें इंदिरा गांधी की छवि नजर आती हो। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी अगर कांग्रेस को पार लगा पाए तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा थक हार के सारे कांग्रेसी प्रियंका गांधी की शरण में ही जाएंगे भविष्य में, लेकिन फिलहाल इस तरह के आसार नहीं है कि उनको सामने लाके और उनसे पॉलिटिक्स कराई जाए। बिल्कुल, शुक्रिया अनुराग जी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए ग्वालियर में 2 दिन के दौरे पर आए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। छतरपुर बीजेपी की टिकटों की रायशुमारी में आए प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने राहुल गांधी के मंदिर जाने पर तंज कसते हुए कहा कि ग्वालियर में पूजा के दौरान पुजारी ने उनसे अपना गोत्र बताने के लिए कहा तो वह यहां वहां देखने लगे, लेकिन पुजारी ने उनके परिवार का अमुक गोत्र पूछा तो वो कहने लगे कि यही हमारा गोत्र है। पवैया कहा अब स्वयं समझ सकते हैं वह किस तरह के हिंदू हैं। वहीं राहुल गांधी के मध्य प्रदेश में हो रहे दौरे को का मजाक उड़ते हुए कहा कि हमारे स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन राहुल गांधी हमारे पार्टी के बिना खर्चे के दूसरे स्टार प्रचारक हैं, वह जितना प्रदेश में आएंगे हमारी जीत उतनी अच्छी होती जाएगी। मैं तो ये पता लगा है कि वो जब मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद द्वारे द्वारे गए हैं तो किसी मंदिर पर उनसे ब्राह्मण ने कहा कि अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए। जब गोत्र कहा तो राहुल गांधी ने पीछे मुड़कर देखा, कांग्रेसियों से पूछा कि यह गोत्र क्या होता है।
तो अपना बता दो, अपने ममाने का गोत्र बता दो। तो ब्राह्मण ने कहा कि गोत्र नहीं जानते, तो अमुक गोत्र बोल दो। तो कहने लगे हाँ हाँ मेरा गोत्र शायद अमुक ही। देखिए राहुल जी जितना मध्य प्रदेश आए हम उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि मोदी जी तो सर्वोच्च स्टार कैंपेनर भारतीय जनता पार्टी के भारत में हैं ही, लेकिन अगर बिना खर्चे के कोई हमारा दूसरा स्टार कैंपेनर हो सकता है तो उनका नाम राहुल गांधी। नवरात्रि पर मंदिर दर्शन कर लौट रहे दो गांव के 10 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतकों में भाजपा मंडल अध्यक्ष सरपंच सहित 10 लोग शामिल हैं। सभी मृतक बुलेरो में सवार थे जिसकी सीधी टक्कर ट्रक से हो गई। छत्तीसगढ़ से 10 लोग ओडिशा के कोमना स्थित माता मंदिर के दर्शन कर अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान रात करीब 1 बजे खरियार रोड कोमना के आगे बुलेरो और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों ने बुलेरो से घायलों को निकालने की कोशिश की, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। दोनों गाड़ियों के बीच टकराव इतना जबरदस्त था कि मौके पर ही सभी 10 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद मृतकों के शवों को उड़ीसा के नाऊपाड़ा जिला अस्पताल में लाया गया। शवों को पोस्टमार्टम उपरांत छत्तीसगढ़ भेजा। सूचना मिलते ही छत्तीसगढ़ से भाजपा कार्यकर्ता मृतकों के परिजन मौके पर पहुंच गए और 5 दिनों के अंदर छत्तीसगढ़ में यह दूसरा बड़ा हादसा है। पिछले हफ्ते डोंगरगढ़ से लौट रहे सूमो सवार 9 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई थी। हादसा 2 गाड़ियों के बीच हुआ, बुलेरो और ट्रक के बीच में टक्कर हुई थी, जिस कारण 10 लोगों की मौके पर मौत हुई। बिल्कुल, हमारे साथ पूरी घटना पर जानकारी देने के लिए हमारे विशेष संवाददाता संजीव पचौरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजीव जी, 10 लोगों की मौके पर मौत हो गई, इसमें सरपंच का परिवार था। बता दूं आपको शेफाली जी के ये बड़ी दुखद घटना है। छत्तीसगढ़ में 5 दिनों में 5 बड़ी घटनाएं हो चुकी है, इसमें लगातार कई लोग मारे गए हैं। एक घटना फिर घटी है, उड़ीसा के कोमना माता मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे, खरसिया के पास जो घटना घटी है, डॉक्टर दर्शना का परिवार था और अन्य लोग थे, मंडल अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के और भी कार्यकर्ता थे। और घटना स्थल पर 10 लोगों की मौत हुई है। बहुत बुरी स्थिति में दुर्घटना घटी थी ये, और क्या कहा जाए इसमें, जो छत्तीसगढ़ में लगातार 5वीं घटना है ये। जी, 10 लोगों में पूरा परिवार शामिल था या अन्य लोग भी थे उसमें? इसमें एक परिवार था और अन्य लोग भी थे। एक परिवार तो पूरा खत्म हुआ है, जिसके अलावा 3-4 लोग अन्य लोग भी थे जो इसमें घटना में मृत हो गए हैं। जी, शुक्रिया संजीव। जैसा कि संजीव ने बताया कि 10 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें एक पूरा परिवार खत्म हो गया इस हादसे में और कुछ अन्य लोग भी थे। फिलहाल समय एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। होशंगाबाद प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रतिदिन चुनाव आयोग स्वीप प्लान के अंतर्गत जिला प्रशासन वोटरों और युवाओं को मतदान केंद्र तक लाने के लिए नित्य नए प्रयास कर रहा है। इस बार युवाओं का प्रतिशत निर्णायक है, इसीलिए जिला प्रशासन की एक अनूठी पहल यह भी है कि अभी नवरात्रि चल रही है, युवाओं की सबसे ज्यादा संख्या गरबा कार्यक्रम में देखी जा रही है। इसी सोच से प्रेरित होकर जिला प्रशासन ने एक भव्य गरबे का आयोजन किया, जिसमें जिले के आला अधिकारियों के साथ साथ कलेक्टर प्रियंका दास भी मौजूद रही। युवाओं के साथ गरबे का आनंद लेते हुए मैसेज दिया गया, हर यूथ को वोट देना चाहिए, वोट हमारा अधिकार और कर्तव्य है। गरबे के कार्यक्रम में जिले के आला अधिकारी सहित जिले के आईकॉन न्यायाधीश और कमिश्नर भी मतदान करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करते नजर आए। दरअसल जिला प्रशासन लगातार युवाओं को मतदान केंद्र तक लाने के लिए यह प्रयास कर रही है। एक बार
बार फिर माता के पंडाल में आग लगने की खबर आई है। यह घटना छिंदवाड़ा में बांस से बने पंडाल में आग लगने की है। यह आग बहुत भयानक थी, जिसको बुझाने की मशक्कत करनी पड़ी। छिंदवाड़ा यातायात थाने के पास विगत कई सालों से वंशकार समाज यहां पर काली जी की मूर्ति स्थापित करता है। बांस से बने पंडाल में आज सुबह अचानक आग लग गई, जिससे पूरा पंडाल जल गया। जानकारी मिलते ही पुलिस का अमला और फायर ब्रिगेड पहुंच गई, आग पर काबू पाया गया। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच में जुटी है। माना जा रहा है कि शरारती तत्वों ने यह आग लगाई है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला मुख्यालय में फ्लैग मार्च के दौरान एक बड़ी घटना घटी और एटीलैंड माइंस व्हीकल से कार भिड़ गई। बता दें कि पुलिस और सीआरपीएफ के जवान चुनाव के मद्देनजर फ्लैग मार्च निकाल रहे थे। हमारे संवाददाता संजीव पचौरी ने बताया कि फ्लैग मार्च में चल रही एंटी लैंड माइंस व्हीकल में एक कार भिड़ गई, जिससे कार कुछ दूरी तक घसीटती चली गई। कार में एक परिवार सवार था। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी को भी गंभीर चोट नहीं लगी। पुलिस ने कार और कार सवार परिवार को गंतव्य तक पहुंचाने में अपनी ओर से पूरी मदद की। क्या है पूरी खबर, हमारे संवाददाता संजीव पचौरी से बात करेंगे। संजीव जी, एक पूरा परिवार था कार में सवार और एंटी माइल कार भिड़ गई उसमें। हाँ, बता दूं आपको शेफाली जी के कांकेर की एक घटना है, जहां पर चुनाव के मद्देनजर पुलिस और सीआरपीएफ के लोग फ्लैग मार्च निकाल रहे थे। उनके फ्लैग मार्च के सामने सामने एंटी लैंडमाइन व्हीकल चल रही थी। जी जी। ठीक उसी समय एक कार साइड से आई है, उसने कार को ओवरटेक करने की कोशिश की है और अचानक वो कार घुसी चली गई है। हालांकि दोनों तरफ गलती थी, कार लगभग 30 से 35 मीटर तक घिसती चली गई है जी। और बड़ी काफी सूझबूझ से ड्राइवर ने काम लिया है और उसको रोक पाई है एंटी माइंस व्हीकल को, अन्यथा एक बहुत बड़ी घटना घट जाती है। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी अजीब घटना थी। जी जी, शुक्रिया संजीव। चुनाव के मद्देनजर छतरपुर के विजावर विधानसभा इलाके में पुलिस को दंगा रोकने के लिए ट्रायल प्रशिक्षण करवाया गया। यह ट्रायल 7 थानों की पुलिस के साथ किया गया। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे बुंदेलखंड इलाके में चुनाव के दौरान हिंसा को देखते हुए पुलिस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। छतरपुर के विजावर के मेला ग्राउंड में SDOP राकेश पंद्रो के निर्देशन में दंगे पर कंट्रोल करने का ट्रायल किया गया। विजावर में 7 थानों से आए पुलिस बल को स्थानीय नागरिकों के सहयोग से दंगा रोकने का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, तहसीलदार सहित अन्य लोग मौके पर उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।